कल डुअल डेकर सीपीयू और ईमेल आपने खुद डुअल, तो आपने डुअल डेकर किया नैंड प्रोग्रामिंग? जी सर, नैंड प्रोग्रामिंग आपने तो पूरा इजी कर दिया नैंड प्रोग्रामिंग। तो मेरे आँख के सामने या मेरे को पकड़ के सिखाएंगे वो चाहना चाहता हूँ। और जो YouTube है और जो ऑनलाइन कोर्स है वो सर बेकार है। लाइव सर फर्स्ट मैंने जो EMMC IC है उसको रिबोल किया फर्स्ट, उसके बाद मैं पावर IC निकाल के ऑन सेट में बिठाया, उसके बाद CPU उठा के लगाया, उसके बाद मैं देवदन अग्रवाल, आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसिया टेलीकॉम 28 अक्टूबर बैच। मेरे साथ स्टूडेंट है सुशांत। सुशांत आप कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ से? मयूरभंज। अरे वाह, तो उड़ीसा भी बहुत अच्छी जगह है। आपने क्यों हमें चुना मध्य प्रदेश, क्यों नहीं गए दिल्ली, क्यों नहीं गए बेंगलोर, क्यों नहीं गए मुंबई? तो मैं एक बार कहना चाहता हूँ, मैं जब भी काम में फंसता था आपकी वीडियो देखता था जी। जो वो जो वीडियो में 5 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, तो मैं वही वीडियो देख के मेरा काम सोल्यूशन हो जाता था। हाँ, तो मैं बोला मेरा तो काम वीडियो से भी सोल्यूशन हो जाता था, मैं खुद वहाँ जाऊँ तो मेरा काम भी और आसान हो जाएगा, मैं टिप्स भी लूँगा, अच्छा अच्छा टिप्स भी लाऊंगा और मैं मेहनत से काम करूँगा। आपको क्यों नहीं लगा यार मैं एक इंस्टीट्यूट को जो पैसे देता हूँ उससे टूल खरीद लेता हूँ, ऑनलाइन सीख लेता हूँ या यूट्यूब से सीख लेता हूँ, ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आधी दुनिया वही सोचती है। मैं ऐसा सोचना चाहता हूँ, जो मेरे आँख के सामने या मेरे को पकड़ के सिखाएंगे वो चाहना चाहता हूँ। और जो YouTube है और जो ऑनलाइन कोर्स है वो सर बेकार है। बेकार है। अगर यही सब हम आपको ऑनलाइन सिखाते तो सच बताओ क्या आप सीख पाते? नहीं सर, नहीं कभी नहीं, इम्पॉसिबल है सर। इम्पॉसिबल है क्योंकि ऑनलाइन में जो कन्वर्सेशन होता है ना, जो रियल फेस टू फेस, वो नहीं हो पाता है। तो आप टीचर तो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट क्या समझ रहा है? जी सर, जी सर, अभी हम जो इधर आए तो काम कर रहे हैं, हमसे कोई गलती होगा तो हमारे पीछे हमारे सार रहते थे, जो हमारा प्रैक्टिकल सार वो रहते थे, वो बोलते ये खराब हो गया, तो ऑनलाइन में कौन बोलेगा वो? ऐसा कोई भी सेक्शन हो जहाँ आपको थ्योरी पढ़ाई हो वहाँ आपको प्रैक्टिकल नहीं मिला है? ना, सभी मिला है। क्यों प्रैक्टिकल करने में उसमें, ताकि आपको जो भी है जो हमने पढ़ाया, जैसे सपोज सिम सेक्शन पढ़ाया, या सपोज हमने पढ़ाया चार्जिंग में कि बीबस की सप्लाई यहाँ से यहाँ पर जाती है, ओवीपी को यहाँ से ट्रेस करना है, इस तरह से बाईपास करना है, तो शाम को वही प्रैक्टिकल में वही प्रैक्टिकल हमको इजी हो जाता था। इजी हो जाता जब थ्योरी में हम पढ़ के प्रैक्टिकल खुद देखते हैं, खुद करते हैं, तो हमको खुशी भी होता था और पूरा समझ में आ जाता था, एक बार में समझ में आता। लाइव क्या किया आपने? लाइव सर फर्स्ट मैंने जो EMMC IC है उसको रिबोल किया फर्स्ट, उसके बाद मैं पावर IC निकाल के ऑन सेट में बिठाया, उसके बाद CPU उठा के लगाया, उसके बाद हमारा ट्रेसिंग का क्लास रहा, फॉल्ट फाइंड का क्लास रहा, जो डेड सेक्शन को कैसे डायग्नोस करते हैं उसका रहा, उसके बाद हम कल डुअल डेकर सीपीयू और ईमेल आपने खुद डुअल, तो आपने डुअल डेकर किया नैंड प्रोग्रामिंग? जी सर, नैंड प्रोग्रामिंग आपने तो पूरा इजी कर दिया नैंड प्रोग्रामिंग। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब यहाँ से जाने के बाद क्या प्लानिंग है? जाने के बाद सर मैं खुद को टाइम दूंगा 10-15 दिन, जी जी, जरूरी है। और जो शॉप में जाके बैठूंगा तो कस्टमर का सेट ज़्यादा नहीं करूंगा, 1-2 करूंगा और मैं खुद को टाइम दूंगा। मतलब आप पहले अपनी स्किल को बढ़ाओ, जो आपने सीखा है उसको आप दोहराओ, 4-5 बार फिर करोगे तो एक कॉन्फिडेंस बनेगा, तो कस्टमर के सेट में भी बहुत मजा आएगा करने में, बहुत मजा आएगा। पहले तो अभी भी लोग ऐसा नहीं है कि नहीं कर लोगे, बहुत सारे लोग कस्टमर के सेट डायरेक्ट अगर कोई आए ब्लू डिस्प्ले आ रहा है CPU रिबॉल करना है तो कर लेंगे, बट अगर यही चीज वो CPU को 5 बार घर जाके रिबॉल करके फिर से लगा देंगे ना, तो कस्टमर का सेट करने में उनको टाइमिंग भी कम लगेगा और जल्दी भी कर लेंगे और कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। सो कॉन्फिडेंट तो सर अभी है, लेकिन 10-15 दिन हम खुद करें घर के बैठे और सही इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। यहाँ पे लाइव आते थे हम लोग? जी सर। लाइव कौन आ सकता है बताइए? जो सही से काम सिखाते हैं और दिल से सिखाते हैं वो लोग लाइव में आ सकते हैं, लाइव आ सकते हैं। लाइव आते थे डेली सुबह शाम, हर क्लास को लाइव दिखाते थे, और ये इसलिए दिखाते थे क्योंकि और इन आप इनको देखिए, इनका ऑलरेडी हर थिंग का आउटपुट कंप्यूटर जी है। जी सर, आप खुद देखते थे? मैं खुद देखता था, मैं खुद फर्स्ट में रिव्यू में आता था। आपके घर वाले आपको हर दिन देखते हो ना? तू जो जाए वो वीडियो शूटिंग करने के लिए गया है या सीखने के लिए? मैं बोला सीख भी रहा हूँ और वीडियो शूटिंग भी कर रहा हूँ। और ये चीज आपको बता रहा हूँ
हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम नहीं करते ना तो मतलब हम छुपा रहे हो तुमको, कहीं ना कहीं हम आपको आपका कंटेंट आपका नॉलेज छुपा रहे हैं, आपको जो मिल रहा है वो पढ़ा रहे हैं। दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप टक्कर में है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको पता चल जाता, देखो मैं लाइव आ रहा हूँ, दुनिया बोलती भाई तू क्या सीख रहा है। जी सर हम 8 से 8 बजे तक रात को रहते थे, फिर भी जो लास्ट में रिव्यू होता था हमारा चेहरे में मुस्कान आ जाता है, उसका मतलब हम बहुत कुछ सीख गए हैं उस दिन। क्या बात है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे, क्या हिदायत देना चाहेंगे नए स्टूडेंट? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं एक बात मिस कर रहा हूँ, वो है हमारा जो दुर्गेश सर। अच्छा, उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो घर में गए हैं काम के लिए। उनकी बहन की शादी है और हाँ कल ही 2 दिन पहले 22 तारीख को ही थे, उनको मिस कर रहे हैं, नहीं तो हमारा जो सभी जो टीचर है वो बहुत अच्छे हैं। जी चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सर मैं लाइव पावर आईसी किया, सीपीयू किया। जब सीपीयू किया तो एक अंदर आए मतलब? सर हाँ सर, एकदम बढ़िया है, इन्हें सीपीयू करवा दिया, ये तो है मतलब। हाँ, हाँ सर, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल लेकर यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव सीपीयू और पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डेकर जी सर। हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर यहाँ पे, जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में, जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल है। लाइव क्या किया सर? लाइव मैंने सीपीयू लगाया, पावर आईसी लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। वो भी बताया था कि नहीं बताया था? आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने पीसीबी पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल, कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गए आप? सर डबल डेकर किया था। डबल मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो AsiaTelecom में आया। आपने कभी आईसी पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव सीपीयू भी लगाया, आईसी पे भी लाइव काम, पावर आईसी पे काम और आईसी पे। लास्ट डे क्या करके गए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गए आप? सर लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल, लास्ट डे डबल डेकर करके गए, बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G सीपीयू निकाला, पावर लाइव बनाया उसको। हाँ सर, एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर, आपने तो 3 टाइम किया ना उसको? हाँ हाँ हाँ, मेरे वो ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। दिखाई आप क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया, और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किया, EMC है, EMC लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगाया, टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से। जी सर, आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डे डुअल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू। डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताओ? सर आज हमने डबल डेकर किया। सर डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताओ? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे?
सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने मेरे साथ में। इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट। Thank you.